हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ में एक डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए तो ये चॉकलेट का ब्लास्ट है। और वन गुड न्यूज़ कि ये मैंने कुकर में बनाया, सो एवरीवन कैन एन्जॉय दिस डिलीशियस एंड ब्यूटीफुल केक। एंड ये केक आप अपने वैलेंटाइन डे पर अपने वैलेंटाइन के लिए भी बना सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, दिस विल बी द बेस्ट केक जो उन्होंने अब तक खाया होगा। हाफ कप मैदा, 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1/4 टीस्पून का तीसरा हिस्सा बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर, 1/2 कप से थोड़ा कम पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप छन्नी में छानकर भी इसको मिला सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर यहाँ पे भी मिला सकते हैं और अलग से भी। जैसे मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले रही हूँ, इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप प्लस 1/4 कप का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें मिल्क मिलाया है। और अब हम इसमें 1/4 कप का आधा ऑयल मिक्स करेंगे और फिर इस लिक्विड को केक के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है इस मिश्रण को ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि इससे हमारा केक टाइट बन सकता है। और जो मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, सो कीप इन माइंड। अब केक टिन को बटर या ऑयल से ग्रीस करेंगे, उसमें बटर पेपर लगा लें और केक के बैटर को इसमें डालकर टैप करें। अब एक कुकर में 1 कप वाइट सॉल्ट डालकर उसके अंदर एक कटोरी रख दें और सीटी हटाकर 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दें। 5 मिनट बाद केक टिन उसमें रख दें और लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए कुकर बंद करके बेक होने दें। 30 मिनट्स बाद आप केक के अंदर टूथपिक इंसर्ट करके देखें, अगर टूथपिक क्लीन निकलती है दैट मीन्स आवर केक इज़ रेडी। अब चाकू की हेल्प से साइड्स को लूज कर लें, बटर पेपर को आप इस पे से हटा दें। देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है। ओह माय गॉड, सी दिस, हाउ ग्लॉसी, हाउ स्पंजी इट इज। अब नाइफ से हम केक को अच्छी तरह से काट लेंगे और इसे धीरे धीरे चारों तरफ चाकू को घुमाते हुए, केक को घुमाते हुए काटेंगे, जिससे कि ये इवन कटे, अनइवन ना कटे। और देखिए ये कितना सॉफ्ट है, आप इसकी जाली देख पा रहे होंगे, इसमें जो बबल्स हैं आप उनको देख पा रहे होंगे। ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट बना है, सीरियसली इट इज़ अनबिलीवेबल, बिकॉज इट इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग ए केक। एंड आप इस पे नाइफ से ऐसे निशान लगा सकते हैं, चारों तरफ निशान लगा के धीरे धीरे इसको काटिए तो आपका ये इवन कटेगा। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर फ्रोस्टिंग। एंड देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। 1/2 कप कोकोआ पाउडर, 1/2 कप पाउडर शुगर, और हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। और शुगर की क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इसमें। और फिर हम इसमें जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इसमें 1/4 कप का आधा मेल्टेड बटर मिक्स करेंगे और इसमें हमने 1/2 कप का आधा मिल्क यूज़ किया है। और आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्सी में चलाया है। अगर आपके पास बीटर है तो आप उसमें भी चला सकते हैं, उसमें ये स्मूथ बन जाता है। एंड हियर इज़ आवर क्रीमी ब्यूटीफुल एंड चॉकलेटी फ्रॉस्टिंग। ओह माय गॉड। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे, उसके लिए हमें 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1/3 कप ऑफ वाटर एंड शुगर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, उन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम केक असेंबल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले केक के एक लेयर लगा के उसके नीचे हमें एक फ्रॉस्टिंग लगानी है थोड़ी सी, उसके ऊपर हमें जो हमने सिरप बनाया उसको अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और फिर हम उसके ऊपर अपनी जो फ्रॉस्टिंग है, ब्यूटीफुल लवली फ्रॉस्टिंग, वो लगाएंगे। और ऐसे करके हमें तीनों लेयर्स पे ये प्रोसेस फॉलो करना है। और उसको शेप देने के लिए स्पून से, स्पैचुला से, नाइफ से, कैसे भी आपको उसको शेप देना है जिससे वो ब्यूटीफुल लगे और वो इक्वल हो। और अब हम क्या करेंगे आपके ऊपर डिपेंड है,
हमें इसके ऊपर एक शाइनी सी लेयर बनानी है अपने केक के ऊपर। तो आप या तो घर पे बना के जो हमने अभी फ्रॉस्टिंग बनाई है उसी में ही आप एक्स्ट्रा बटर ऐड करके इसको शाइनी बना सकते हैं, या फिर आप बाहर से ये डार्क चॉकलेट लेके आ सकते हैं। आपको हाफ चॉकलेट काफ़ी होगी, तो आप इसको मेल्ट कर लीजिए डबल बॉयलर में। और ध्यान रखिएगा, जब आप डबल बॉयलर में इसको मेल्ट करेंगे तो उसको जल्दी जल्दी उस पर से उतार के चलाते रहना है, और फिर उसमें एक्स्ट्रा शाइन के लिए बटर डाल के रेडी कर लेना है। और अब इसे हम केक के ऊपर डालेंगे और ऐसे केक को हिलाएंगे। इस पर ज़्यादा अपना स्पून वगैरह नहीं लगाना है, वरना जो उसकी शाइनिंग है वो थोड़ी चली जाएगी। तो बेटर है कि बिना हाथ लगाए उसको ऐसे ही हिलाएंगे। मुझे पता है आपको लग रहा होगा ये तो केक को उड़ा देगी, इतनी शेक करने के बाद तो केक उड़ने वाला ही है मेरा, बट इट्स ओके गाइस, मेरे पास ही है। और अब इसको आप शेप दे सकते हैं अच्छे से, इसको स्पून से, नाइफ से, किसी से भी इसको अच्छे से शेप दे दीजिए। और आप इसको चारों तरफ से क्लीन कर लीजिए। आप किसी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, किसी से भी, जिससे भी आप चाहें उसे क्लीन कर सकते हैं, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। और आप अब हम इसकी डेकोरेशन के लिए वाइट चॉकलेट हमने डबल बॉयलर में मेल्ट कर ली है। अगर आपको तो इसमें हम जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसमें मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरीज बनाने वाले हैं, आज हम डेकोरेट करने वाले हैं, बिकॉज गाइज इट इज़ वैलेंटाइन डे स्पेशल केक। सो मेल और फीमेल दोनों को हमने वाइट चॉकलेट में डिप कर दिया है। मेल को पूरा डिप करना है वाइट चॉकलेट में, और फीमेल को जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में इतना उसको करना है। और अब जो उस पर मैंने जो डार्क चॉकलेट का डेकोरेशन किया, आप अपनी फिंगर टिप पे थोड़ी चॉकलेट लीजिए जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई है, उससे उसको ये वाला डिज़ाइन दे दीजिए। और बाकी डिज़ाइन आप टूथपिक से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ कि आप टूथपिक से कैसे, देखिए अभी स्ट्रॉबेरी फीमेल है तो देन वो नेकलेस पहनेगी तो यहाँ पे मैंने उसको नेकलेस बना दिया। और देखिए मेरा ब्यूटीफुल टेस्टी, मैं बता नहीं सकती ये कितना टेस्टी है, कितना स्पंजी है और कितना जूसी है। देखिए अगर आपने इसे खा लिया तो बाय गॉड, आप जो मार्केट में जो मिलते हैं आप उनको तो खाना भूल ही जाएंगे। इट इज़ अमेजिंग। एंड ये मैंने लाइफ में पहली बार केक बनाया है एंड आई एम सक्सेसफुल। सो गाइज यू कैन मेक इट टू। सो जो इस केक में मैंने वाइट चॉकलेट की डेकोरेशन की है उसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट देयर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर मेकिंग द केक आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टिप इज़ बेकिंग सोडा ज़्यादा ना डालें। सेकेंड, केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली ना करें, जितनी मैंने उसमें दिखाई है उतनी ही करें। कुकर मीडियम आंच पर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए प्रीहीट करें। केक को बिल्कुल लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट्स तक बेक होने के लिए रख दें। और टूथपिक या चाकू लेके केक में इंसर्ट करें, और अगर क्लीन नहीं निकलता है तो 5 मिनट्स और पकाएं। केक बैटर को ज़्यादा मिक्स ना करें वरना केक हार्ड बनेगा। सो बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।